गणेश जी हम सभी के घरों में आने वाले हैं, तो उनके प्रसाद की भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आज मोदक की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं मोदक की रेसिपी। आज हम बनाएंगे रसमलाई मोदक। उसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ लिया 1/2 कप कंडेंस मिल्क। आप घर में बनाया हुआ कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं, मैं यहाँ मार्केट में कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। अब डालेंगे मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से जो हमारी फिलिंग है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लें। गैस फ्लेम लो रखें, 5-7 मिनट के लिए कुक करें ताकि जो हमारे लम्ब्स बने हैं मिल्क पाउडर की वजह से वो सारे अच्छे से रिमूव हो जाएं। देखिए सारे लम्ब्स अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बटर। मैं यहाँ सॉल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। बट जब हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो अगर हम उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो उससे हमारा जो स्वीट डिश का टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है। अब मैंने यहाँ ऐड करे हैं थोड़े से पिस्ताचियोस। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। थोड़ी सी ड्राई रोज पेटल्स, गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। फिलिंग को 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारी फिलिंग बनकर रेडी है, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। जब तक हमारी फिलिंग सेट होती है तब तक हम जो हमारे मोदक है उनकी आउटर शेल रेडी करते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट लिया है, उसको डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट करा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 ड्रॉप येलो कलर। चॉकलेट के लिए हमेशा ऑयल बेस्ड कलर ही यूज़ करें, जेल बेस्ड कलर से हमारा जो चॉकलेट है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, हमारी सारी चॉकलेट वेस्ट हो जाएगी, इसलिए हमेशा ऑयल बेस्ड कलर ही यूज़ करें। अब मैं चॉकलेट में ऐड कर रही हूँ थोड़े से बादाम, थोड़े से कटे हुए पिस्ता, थोड़ी सी रोज पेटल्स। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ मोदक मोल्ड। मैं यहाँ सिलिकॉन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो PVC का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं मोल्ड में जो हमें चॉकलेट रेडी किया है वो फिल कर रही हूँ। पूरा मोल्ड चॉकलेट से फिल कर लें। हमें फिलिंग वाले मोदक बनाने हैं, इसके लिए हमें आउटर शेल चाहिए, तो जो एक्सेस चॉकलेट है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। और अब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अब एक बार और चॉकलेट फिल कर रही हूँ और जो हमारा एक्सेस चॉकलेट होगा उसे उल्टा करके बाहर निकाल लेंगे। यह हमारे मोदक के लिए आउटर शेल रेडी है, अब हम इसे फिलिंग करेंगे। जो हमने फिलिंग रेडी किया है वो देखिए हार्ड हो चुका है थोड़ा, तो अब हम उसको इजीली फिल कर सकते हैं। फिलिंग थोड़ी थोड़ी ही डालनी है। अब ऊपर से वाइट चॉकलेट डालकर मोदक को अच्छे से सील कर देंगे। मैंने ये सारे मोदक में चॉकलेट डाल दिया है, ये अच्छे से सील हो गए हैं। अब जो हमने फिलिंग डाली थी वो हमारी बाहर नहीं आएगी। अब इसको 15 मिनट्स के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे मोदक कैसे बने हैं। अब इसे डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड थोड़ा ध्यान से करिए, देखिए मेरा मोदक बनकर तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह मैं बाकी के मोदक भी निकाल लेती हूँ। ये हमारे सभी मोदक बनकर तैयार हैं। अब इन मोदक को आप चाहे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ डेकोरेट कर रही हूँ और थोड़े से मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स हैं उनको लगा रही हूँ। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए उनके प्रसाद के लिए यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।